नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ वो कोई पेनी स्टॉक नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैं अपनी चैनल पे पेनी स्टॉक्स की वीडियोस लाता हूँ। दोस्तों, मैं पेनी स्टॉक में हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक नियमित मात्रा में निवेश करें, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किन शेयर्स में करनी है, तो उन्हीं में से आज मैं आपके लिए एक शेयर लेकर आया हूँ। शेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, और जब भी हम किसी शेयर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें मल्टीबैगर रिटर्न देगा, तो हम सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को चेकआउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कंपनी के टेक्निकल्स हमें अलाउ कर रहे हैं या नहीं, और थर्ड और सबसे मेन, कंपनी ने पास्ट में अपने आप को प्रूव करा हो। हम जब भी किसी कंपनी से मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हैं तो हम एटलीस्ट ये ज़रूर देखते हैं कि एटलीस्ट कंपनी ने अपने आप को पास्ट में प्रूव करा हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप खुद इस शेयर पर एक अच्छा और एक बेहतरीन डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे, बस शर्त एक ही है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कंपनी के टेक्निकल्स पर नज़र डालें तो आप देखोगे अभी कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 873 रुपीज़ का है, ठीक है। जब भी भाई हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका प्राइस मत देखो कि प्राइस कितना है, ये देखो कि कंपनी ने पास्ट में क्या कर रखा है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं आगे अच्छा करने के लिए, ठीक है। प्राइस को बाद में देखा करो, क्योंकि अगर आप 1 रुपये वाले 1000 शेयर ले लोगे ना, और ये 1000 रुपये वाले 5 शेयर भी ले लोगे, तो बहुत अंतर है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये वाला 1000 रुपये वाला शेयर आपको अच्छा रिटर्न बना कर दे, ठीक। तो 1 रुपये वाले शेयर के पीछे कम भागा करो, इसीलिए मैं कहता हूँ नियमित मात्रा में पेनी स्टॉक में निवेश किया करो, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में किया करो। तो देखो, कंपनी के टेक्निकल्स की बात करते हैं और कंपनी के काम वगैरह के बारे में जानना है तो उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। सीधा कंपनी के टेक्निकल्स पे हम यहाँ बात करते हैं। कंपनी का करंट प्राइस 873 है। अगर एक महीने की बात करें तो 2.39% की हम इसमें तेज़ी देखने को मिली है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में 10.19% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो हो सकता है कुछ भी वजह हो सकती है, जैसे अब कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हो रही है, तो इसका भी असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा कि कोरोना की जो अफवाहें आ रही हैं, या अफवाहें हैं भैया, रियलिटी है जो चाइना में हो रहा है, उसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। अगर हम 5 साल में देखें, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम किसी अच्छे स्टॉक में तो थोड़े टाइम के लिए करते हैं, 5 साल में शेयर ने 56% का रिटर्न कमा कर दिया। अब देखो, जो चीज़ मैं हमेशा वीडियोस में दिखाता हूँ कि 56% पे मत जाओ भाई, अच्छी एंट्री लोगे ना तो इसी शेयर से लोगों ने 300-400% तक का भी रिटर्न कमाया। आप देख लो अपनी स्क्रीन पर, 473% का उसी शेयर से कमाया जिसने 56% का रिटर्न दिया। अगर हम मैक्सिमम में बात करें तो ये आंकड़े आपको चौंका देंगे, और साथ ही में ये आपको प्रूफ दे देंगे कि कंपनी ने पास्ट में अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। मैक्सिमम की बात करें तो आप देखोगे मैक्सिमम में शेयर ने हमें 30,533% का रिटर्न दिया है। भाई, आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा नंबर की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। 30,533% का रिटर्न कंपनी ने दिया। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि कंपनी कहां से शुरू हुई और कहां पर आ चुकी है। इस टाइम कंपनी जो लिस्टेड हुई थी वो 2.85 रुपये पर लिस्टेड हुई थी 1999 को, 1 जनवरी 1999 को, यानी ऑलमोस्ट अब आप देखो तो 23-24 साल कंपनी को हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारी जो पहली बात आ गई है कि कंपनी अपने आप को ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी है। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी हमें इस ये जो शेयर है ये खरीदने का सही समय है या नहीं, और कंपनी के फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर आते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कंपनी की मार्केट कैप। दोस्तों, हमेशा जब कोई कंपनी माइक्रो कैप ना हो, स्मॉल कैप ना हो, एक मिड कैप में आ जाती है, तो उसमें हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं पैसा बनने के। तो आप देख सकते हो ये 13,656 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसका स्टॉक पी अंडर 15 हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। कंपनी की ROC और ROE दोनों ही बहुत शानदार, 20% से अबव हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं क्या हमें खरीदने का सही समय है या नहीं है। दोस्तों, कंपनी का जो एक साल का अधिकतम है वो 1264 है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, और जो कंपनी का एक साल का न्यूनतम है वो 833 है। तो भाई, सिंपल सी बात हमें यहाँ ये समझ में आ रही है कि कंपनी अभी अपने एक साल के न्यूनतम के आसपास ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली ये परचेज करने का तो बिल्कुल सही समय है। साथ ही में ये अगर आप इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अच्छा खासा रिटर्न तो ये आपको एज अ डिविडेंड ही पे आउट कर देगा। 1.67% का डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है, और मेन बात,
भाई जब कंपनी इतना तगड़ा डिविडेंड पे आउट कर रही है ना, तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा बना रही होगी, ये चीज़ मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और कंपनी के काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं, जिसकी वजह से कंपनी की अदर इनकम भी अच्छी खासी 114 करोड़ की। अब हम सीधा बात करते हैं कंपनी की सेल की। अगर मैं आपको कंपनी की सेल दिखाऊं तो कंपनी की सेल आप देख सकते हो निरंतर बढ़ी है, और 2021 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट कंपनी ने 2000 करोड़ या 1500 करोड़ के आसपास की सेल बढ़ाई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। कंपनी की अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 400 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ है, यानी 400 करोड़ कंपनी ने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बढ़ाया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 674 करोड़ था, जो इस साल बढ़कर 1067 करोड़ हो चुका है। तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो आप देखोगे कंपनी पे 5770 करोड़ का आसपास का ऑलमोस्ट रिजर्व है और मात्र 1545 करोड़ का डेब्ट है। दोस्तों इसी वजह से मैंने कहा था कि कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री है, क्योंकि खुद दिमाग लगाओ भाई, जब 5760% के आसपास का कंपनी पे रिजर्व है तो उस पे 1545 करोड़ का जो डेब्ट है उसका क्या मायने है? कोई मायने नहीं है, कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री है। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे मेन चीज़ की इस शेयर में, जो हमारे फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगा, वो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब दोस्तों इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है मज़ेदार बात देखने वाली, वो आप अपने स्क्रीन पर देखो। कंपनी पे प्रमोटर्स की 66.53% की भारी होल्डिंग है। सेकंड पॉइंट, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है और उन्होंने कभी भी इसमें से पैसा नहीं निकाला है। कंपनी का जो अभी आप दिखाऊंगा मैं आपको, कंपनी का जो मैंने आपको दिखाया एक साल के न्यूनतम पर है, उसके बाद भी प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें लगातार बनी हुई है। ठीक, FI की इसमें ऑलमोस्ट 3% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 8.62% की, और गवर्नमेंट की भी 0.02% की होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। यानी अगर हम मोटा मोटा देखें तो 80% की होल्डिंग प्रमोटर्स FI और DI की हमें देखने को मिल जाती है, जो कि इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस शेयर को परचेज करने का, जिसमें पब्लिक की 20.84% की होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं DCM श्रीराम लिमिटेड की। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो शेयर NSE रजिस्टर्ड है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे दे। जो मैंने आपको बातें बताई थी कि सबसे पहले हमने देखा कंपनी के जो पास्ट परफॉर्मेंस है कि कंपनी ने हमें पास्ट में प्रूफ करा हो। कंपनी का दूसरा मैंने आपको दिखाया टेक्निकल्स, कंपनी के टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं और हमें अलाउ कर रहे हैं। थर्ड और सबसे मेन कंपनी के फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखाए। अगर आपको इसके फंडामेंटल्स में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों कंपनी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है फ्यूचर को देखते हुए, या फ्यूचर में जो इसके फंडामेंटल्स हैं जितने स्ट्रॉन्ग उसकी डिमांड को देखते हुए, या जो बड़े प्लेयर्स हैं प्रमोटर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उनकी होल्डिंग को देखते हुए लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपको बहुत तगड़ा रिटर्न बना कर देगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हों, लेकिन फिर भी अपनी स्टडी जरूर ऐड कर लेना। अपनी स्टडी ऐड करोगे एक राइट और एक अच्छा डिसीजन आप किसी भी शेयर के ऊपर अपना बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की अपडेट मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ।